हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवा। आप सभी का स्वागत है मेरा खोज यूट्यूब चैनल पे। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया था आपको, हम इस वीडियो में आपको डायरेक्शन बारे में हम बात करेंगे। डायरेक्शन का मतलब क्या है आप तो जानते ही होंगे, डायरेक्शन का मतलब दिशा है। तो हम अभी जानेंगे कि डायरेक्शन क्या है, वो कैसे काम में आता है। चलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। डायरेक्शन इसका मतलब क्या है? दिशा, ठीक है। तो जनरली आप जानते हैं हमारे डायरेक्शन कितना है, जानते हैं तो आप? ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ठीक है। तो चलिए, ये जो पॉइंट है ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, नॉर्थ पॉइंट एंड साउथ पॉइंट, इस पॉइंट को भी हम एक नाम देते हैं, इनका नाम कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। बट लेकिन ये भी हम जानते हैं कि इसके अलावा और भी दिशा है। कहाँ पर? एक इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, इस कोने में, जो इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ठीक है। तो चलिए, ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या देते हैं, ये जो कॉर्नर वाला डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट ये है, साउथ ईस्ट ये है, नॉर्थ वेस्ट ये है, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो आप ये जान गए होंगे कि हमारे मेन जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं ये चारों है, 1, 2, 3, 4, एंड जो है इंटरमीडिएट पॉइंट, ये जो है ना, ये कॉर्नर वाला, ये इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? ये जो बीच में जाता है ना, मिडिल वाला, ठीक है, बीच वाला को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, मतलब वो बीच में ही रहता है, ठीक है। तो चलिए, आप जनरली आप देखते होंगे कि जब भी आप मैप देखे होंगे, मैप में जो है, मान लीजिए ये एक मैप है, मैप में जो लिखा होता है राइट साइड में, जो कॉर्नर में जो एक ऐसे ही कुछ डायरेक्शन दे के लिखा होता है, वहीं पर एन लिखा होता है, और कहीं कहीं पर वहाँ पर नॉर्थ भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन मैप में क्यों दिया जाता है, ये जो डायरेक्शन, ये दिशा के जानने की जो है ना इजी तरीका, कैसे? मान लीजिए कि ये एक, मान लीजिए ये मैप है, ये मैप है, तो इसमें सब रोड वगैरह है, ये पर, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये सब रोड है सब, ठीक है। तो इस मैप में आप कैसे जानेंगे कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये सब कैसे जानेंगे? इसीलिए मैप में ये दिया गया है, जो राइट कॉर्नर में ऐसे ही कुछ दिया जाता है, यहाँ पर नॉर्थ लिखा जाता है, ताकि हम आसानी से पता चल सके कि ये वाला साइड जो है ये नॉर्थ है, और ये वाला साइड जो है ये साउथ है, और ये वाला ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये सबसे इजी तरीका है, ठीक है। चलिए, अभी हम जब सोचेंगे कि आपने तो बता दिया कि ये जो मैप में डायरेक्शन दिया जाता है, जब मान लीजिए कि हमने खुद एक मैप बनाया, मान लीजिए ये मेरा गांव का एक मैप मैं बनाऊंगा, ठीक है, ये मेरा गांव का मैप है, ठीक है, ये मेरा गांव का मैप है, ये हाईवे है,
ठीक है ना। ये हाईवे, ये मेरा गांव का फ्लेवर है माई। ठीक है, तो मैं कैसे जानूंगा कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। इसमें मैं एक डिवाइस का मैं सहायता लूँगा, जो कि एक आप भी जानते हैं कंपास है, कंपास आप भी जानते हैं ये कंपास। ठीक है, कंपास कुछ इस तरीके से दिखता है कंपास। ठीक है, आपने भी देखा होगा कभी कंपास कुछ इस तरीके से दिखता है। जो ये जो कंपास है ना, ये हर तरफ नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन जो है यहीं पर रहता है। ठीक है, कंपास में क्या रहता है, वो जो मैग्नेट्स मैग्नेट पावर है ये कंपास में रहता है। तो ये आप मान लीजिए कि एक कंपास हमने रख लिया यहाँ पर, ये कंपास है। ठीक है, तो ये जो कंपास है, ये जो इसका जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट ये है। ठीक है, तो मान लीजिए कि नॉर्थ वहाँ है, मैं जो यहीं खड़ा हूँ तो नॉर्थ वहाँ है, तो ये जो पॉइंट है ये इस तरफ जाएगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ जाएगा और ये वाला साउथ की तरफ जाएगा। आप देख रहे होंगे ये ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसी मैप पर मैं एक कंपास लाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि ये जो मेरा ये है, तो ये इसमें क्या दूंगा, मैं एक मंदिर दे दूंगा। मान लीजिए कि यही एक हमारा मंदिर है, मंदिर है। वेस्ट साइड में क्या है, एक होटल है यहाँ पर, और यहाँ पर एक फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट्री है और यहाँ पर एक मान लीजिए यहीं पर मेरा घर है, माई हाउस। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि जब मेरा घर यही है तो मेरा दाएं तरफ कौन सी दिशा है। मैं कंपास लेके देखूंगा। मान लीजिए ये डिरेक्शन ऐसा ही दिखाया, मतलब नॉर्थ वहाँ दिखाया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो नॉर्थ है ना ये यहीं पर दे दूँगा नॉर्थ। अगर नॉर्थ ही है तो इसका अपोजिट क्या होगा, साउथ। ठीक है, अगर नॉर्थ साउथ ये है तो ईस्ट वेस्ट कौन सा होगा, इजीली ईस्ट ईस्ट वेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो डायरेक्शन है कैसे हम पता लगाते हैं कि ये कौन सा डायरेक्शन, ये कौन सा। लेकिन आजकल जो है, आजकल के ज़माने में कंपास कोई ज़रूरत नहीं, सीधा स्मार्टफोन निकालो, यहाँ पर देखो कि ये कौन सी दिशा है, डायरेक्शन हम पता चले। कोई कोई जो हार्ड काम नहीं है जो डायरेक्शन पता लगाने की। ठीक है, आप लोग भी आप बहुत इजीली देख सकते हैं, आपके सभी के स्मार्टफोन में है, जो भी स्मार्टफोन पकड़ रहे होंगे, स्मार्टफोन लेकर ने और कंपास, वही जो कंपास एप्लीकेशन है वहीं पर क्लिक करने के बाद आप एक बार ऐसे ही कुछ से पैरेलली हम रख देंगे यहीं पर, तो वो दिखाई देगा कि कहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आप ही प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कंपास लेके हम जाने कि हमारे जो घर है उसके इस तरफ नॉर्थ साइड है, इस तरफ वेस्ट, इस तरफ साउथ ईस्ट। ठीक है, आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे सिंबल्स के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं ना, जो आपने आज बात के लिए कि डायरेक्शन के बारे में, लेकिन इसके बाद हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे कि ये जो रोड है ये कैसे सिंबल में आते हैं। ये जो अगर होगा यहाँ पर प्लेग्राउंड होगा, स्कूल होगा, यहाँ पर रिवर होगा, ये कौन सी सिंबल में आता है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।